पता है कि यह कितनी ज़रूरी चीज़ है कि आपको पता है कि आप किस चीज़ के लिए पैशनेट हैं बहुत सारे लोगों के साथ होता यह है कि उन्हें पता ही नहीं होता कि उन्हें अपनी लाइफ में करना क्या है और यही रीज़न है कि वह पूरी लाइफ वो करते हैं जो दूसरे सजेस्ट करते हैं हमारी पर्सनैलिटी में जो शार्पनेस आता है जो कॉन्फिडेंस आता है वो तब आता है जब हम वो करते हैं जिसे करने से हम अंदर से खुशी महसूस करते हैं गोल्स वो बनाइए जो हमें इंस्पायर करें ऐसी चीज़ या ऐसा काम जिसे करने से हमें बहुत खुशी मिलती है या ऐसा काम जिसे करने से हम कभी थकते नहीं या जिस पर हम घंटों बात कर सकते हैं हेलो एवरी वंस अगेन वेलकम बैक टू माई चैनल आज की इस वीडियो में शेयर करूंगी कुछ ऐसे फूलों वाले पौधे जिन्हें आप हैंगिंग बास्केट में लगाकर अपने गार्डन को सुंदर बना सकते हैं या फिर उस कंडीशन में कि अगर आपके घर में कम जगह है तो आप ऐसे फूलों वाले पौधे अपनी हैंगिंग बास्केट में भी लगा सकते हैं या कोई घर का ऐसा कोना या बालकनी है जहाँ बहुत ही कम टाइम के लिए धूप आती है तो आप इन पौधों को हैंगिंग में भी लगा सकते हैं या इसके अलावा गार्डन के खर्चे को कम करने के लिए आप इन पौधों को बड़ी आसानी से वेस्ट बॉटल में भी ग्रो करके इनको हैंग कर सकते हैं सभी फूलों वाले पौधे जो मैं शेयर कर रही हूँ ये बहुत आसानी से नर्सरी में बहुत मिनिमम प्राइस में भी मिल जाते हैं और इसके अलावा कहीं से अगर आपको फ्री की कटिंग मिल जाए तो ये बहुत आसानी से ग्रो भी हो जाते हैं वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा फ्रेंड्स हैंगिंग बास्केट बनाने के लिए सबसे पहले हम पॉटिंग मिक्स जो है वो रेडी कर लेते हैं यहाँ पर ये देखिए फर्स्टली मैंने यहाँ पर लिया है कोकोपीट जो हमारी हैंगिंग बास्केट को काफ़ी लाइट वेट भी बनाएगा और कोकोपीट डालने से मॉइस्चर जो है वो काफ़ी टाइम तक हमारी हैंगिंग बास्केट में बना रहता है और इसके अलावा मैंने ले, ले लिया हुआ है यहाँ पर वेल बेलडेंट सॉयल ली हुई है जिसमें मैंने एक हिस्सा मट्टी और एक हिस्सा मैंने रेत जो है वो मिला ली हुई है इसके अलावा कोई भी कम्पोस्ट आप इसमें मिला सकते हैं चाहे या फिर बर्मी कम्पोस्ट या कोई भी कम्पोस्ट जो आप अपने पौधों को देते हैं तो वो आप रख लीजिए और इसके अलावा यहाँ पर आप फंजी साइड मिला लीजिए साफ का और अगर आपके पास फंजी साइड नहीं भी है तो एक दो स्पून आप इसमें हल्दी भी मिलाकर पॉटिंग मिक्स जो है वो रेडी कर ले कर सकते हैं बस इसी तरह से सब पॉटिंग मिक्स को आ, मिक्स कर लेना है और अपनी हैंगिंग बास्केट भर लेनी है तो यहाँ पर ये देखिए फ्रेंड्स मैंने मट्टी जो है वो इस हैंगिंग बास्केट में डाल दी हुई है फ्रेंड्स फर्स्ट ऑफ ऑल जिस प्लांट की हम हैंगिंग बास्केट बनाएंगे वो है हमारा पेरिनियल मेक्सिकन हैदर प्लांट और ये बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट होता है फ्रेंड्स इसे एज ए श्रब की तरह इसको ग्रो किया जाता है इसमें पर्पल कलर के फ्लावर्स होते हैं और एक इसमें वाइट कलर का फ्लावरिंग प्लांट भी आपको नर्सरीज में तीस से चालीस रुपए में आ, मिल जाएगा तो आप इसको भी लाकर अपने हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं फ्रेंड्स और इसको लोकेशन वो चूज़ करें जहाँ पर तीन से चार घंटे की धूप इस पौधे पर आ जाए और ये बड़ी खूबसूरती के साथ ये पौधे जो हैं वो ग्रो होते रहते हैं और इसके अलावा इसकी छोटी से छोटी कटिंग को भी लगाना बहुत ही इजी है कभी भी किसी भी मौसम में आप इसको किसी भी मिट्टी में लगा दीजिए छोटी से छोटी कटिंग लगा दीजिए तो ये छोटे से छोटे वेस्ट पॉट में भी ये बड़ी आसानी से चलते रहते हैं तो बेस्ट ऑप्शन है आपके पास इस समर आप मैक्सिकन हैदर को ज़रूर अपने गार्डन में ऐड करें फ्रेंड्स नेक्स्ट नेक्ट जिस फ्लावरिंग प्लांट की बास्केट हम इस टाइम पर बना सकते हैं वो है ऑक्जेलिस ट्राई ये बहुत ही खूबसूरत बटरफ्लाई प्लांट होता है और इसमें आप देख ही सकते हैं इसमें हल्के पिंक कलर के फ्लावर्स जो हैं वो ब्लूम कर रहे हैं तो ये भी बेस्ट प्लांट होता है हमारी हैंगिंग बास्केट के लिए आप इसकी भी हैंगिंग बास्केट बना सकते हैं ये बल्बिस्ट प्लांट होता है बल्ब द्वारा ग्रो किया जाता है और इवन कि रूट डिविजन करके यानी कि बल्ब को अलग करके आप बहुत से पौधों को मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं इसको आप वहाँ पर प्लेस करें जहाँ पर मॉर्निंग की धूप इस पौधे पर आ जाए और जब टेम्परेचर ज़्यादा तेज़ हो जाए तो आप इसे ग्रीन नेट में शिफ्ट कर दीजिए तो ये बहुत ही खूबसूरती के साथ ये चलते रहते हैं तो ये भी बेस्ट ऑप्शन है आपके पास फ्रेंड्स नेक्स्ट जिस फ्लावरिंग प्लांट की हम हैंगिंग बास्केट इस टाइम पर बना सकते हैं वो है परसुलेन या पॉचुलो का जिसे मॉस रोज भी कहा जाता है ये बहुत ही खूबसूरत और हीट टॉलरेंट फ्लावरिंग प्लांट होते हैं ये छोटे से छोटे पॉट में या फिर इवन की हैंगिंग बास्केट में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं और ये थोड़े सकुलेंट फ्लावरिंग प्लांट होते हैं इनको वाटर की नेसेसिटी भी थोड़ी सी कम रहती है और ये बड़ी ही खूबसूरत खूबसूरती के साथ चलते हैं और फुल सन में आप इन पौधों को रखिए तो इनकी हैंगिंग बास्केट भी बहुत खूबसूरत लगती है आप छोटी से छोटी कटिंग कहीं सब इसे भी लाकर इनकी हैंगिंग बास्केट बनाए फ्रेंड्स थोड़े ही दिनों में ये पूरी हैंगिंग बास्केट जो है वो पूरे पौधे से भर जाएगी और पूरी समर ये आपकी फ्लावरिंग करती रहेगी और ये बहुत ही हार्डी प्लांट होता है फ्रेंड्स आप इसकी हैंगिंग बास्केट जरूर से जरूर बनाए मल्टी कलर में इसके फ्लावरिंग प्लांट्स नर्सरीज में भी मिल जाते हैं हाइब्रिड वैरायटी इवन की देसी वैरायटी देसी बहुत ही हार्डी वैरायटी होती है सिंगल पेटल डबल पेटल फ्लावर्स बहुत ही खूबसूरत छोटे छोटे रोजेस के समान इसके पौधे फ्लावरिंग प्लांट जो आ, मिल जाते हैं नर्सरी में तो ये भी बेस्ट ऑप्शन है आपके पास इस समर आप परसों और पार्चोलोका की हैंगिंग बास्केट जरूर बनाएं फ्रेंड्स नेक्स्ट जिस फूलों वाले पौधे को आप हैंगिंग बास्केट में या छोटे छोटे कंटेनर में या किसी भी वेस्ट बॉटल में ग्रो कर सकते हैं वो है हमारा मैक्सिकन पिटूनिया प्लांट और इसकी वैसे बहुत सारी वेरायटीज़ होती है इसमें एक देसी वेरायटी भी होती है और इसके अलावा इसमें हाइब्रिड वेरायटी भी होती है इस पौधे की ज़्यादा हाइट नहीं रहती छोटी छोटी हाइट का होता है इसलिए आप छोटे कंटेनर में या हैंगिंग बास्केट में इस पौधे को बहुत आसानी से जो है वो ग्रो कर सकते हैं दो से तीन घंटे की धूप वाली जगह पर रखें और ये पौधे नर्सरी में बहुत आसानी से तीस पैंतीस रुपये तक भी मिल जाएंगे इसके अलावा ये पौधे कटिंग से भी आसानी से ग्रो हो जाते हैं और एक बार अगर आप इन पौधों को लगा लेंगे अपने गार्डन में फिर जहाँ जहाँ इन पौधों के बीज गिरते हैं तो वहीं वहीं ये इन पौधों के जो अपने आप ही नए नए पौधे जो हैं वो तैयार होते रहते हैं और साथ ही साथ इसके छोटे छोटे बेबीज प्लांट भी निकलते रहते हैं जिनको सेपरेट करके भी आप बहुत सारे पौधे जो है वो समर में मल्टीप्लाई कर सकते हैं एक साथ इनमें बहुत सारी फ्लावरिंग जो है वो होती है और ये परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट है और पूरा साल ये पौधे बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग करते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट जिस पौधे को आप अपनी हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं वो है स्पाइडर वॉड का प्लांट वैसे तो ये एक आर्नामेंटल प्लांट है जो वनडरिंग जो फैमिली से बिलोंग करता है बट इस पौधे में बहुत ही सुंदर सुंदर सफ़ेद रंग के फूल आते हैं उस कंडीशन में जब आप इन पौधों को मॉर्निंग की धूप वाली जगह पर या किसी भी ऐसी ब्राइट लाइट जगह पर जहाँ पर बड़े अच्छे से इन पर लाइट आ जाए तो इनमें बहुत अच्छे सफ़ेद रंग के फूल भी आते हैं अगर इन रख देते हैं तो इनमें फ्लावरिंग जो है वो नहीं होती है बट इनकी लीव्स काफ़ी खूबसूरत होती है और ये पौधे को आप बेल की तरह जो है वो ग्रो कर सकते हैं और कटिंग से ग्रो करके आप इनके नए नए पौधे भी जो है वो बना सकते हैं तो ये पौधे भी आपकी हैंगिंग बास्केट में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगेंगे आप चाहे तो इसे एज ए ऑर्नामेंटल प्लांट के रूप में भी लगा सकते हैं और अगर आप आप चाहें तो इन्हें वाली जगह पर रखेंगे तो आप इसमें छोटे छोटे फ्लावर भी आपको देखने को मिलेंगे फ्रेंड्स नेक्स्ट जिस फूलों वाले पौधे को आप हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं वो है हमारा बेबी सनरोज का प्लांट ये एक परमानेंट प्लांट होता है और छोटी छोटी हाइट का रहता है कटिंग से आसानी से ग्रो हो जाता है और इसके अलावा नर्सरी में इसके पौधे तीस पैंतीस रुपये तक भी मिल जाएंगे छोटे कंटेनर में हैंगिंग बास्केट में ये लगाने के लिए बहुत ही खूबसूरत प्लांट है ये एक सकुलेंट टाइप का प्लांट होता है जिसमें छोटे छोटे फ्लॉर्स ब्लूम करते हैं और इसकी ब्रांचेस ट्रेल करते हुए बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगती है स्पेशली हमारी हैंगिंग बास्केट में तो इस टाइम पर आप चाहें तो इनको कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं और नर्सरी से भी लाकर अपने पौधों को हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं और इनको आप मॉर्निंग की धूप वाली जगह पर रखें और सकुलेंट होने की वजह से इनको वाटर की नेसेसिटी इतनी नहीं रहती है पर समर में मिट्टी जो है वो ड्राई जल्दी हो जाती है तो इसके चलते आप इनकी मिट्टी को थोड़ा सा मॉइस्ट रखें बहुत ही जल्दी ये पूरे पॉट को भी कवर कर लेता है जो देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है फ्रेंड्स नेक्स्ट जिस फूलों वाले पौधे को आप छोटे कंटेनर से लेकर हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं वो है हमारा एंथोरियम का प्लांट इसकी बहुत सारी वेराइटीज़ होती है इसमें रेड और वाइट कलर के फ्लावर्स ब्लूम करते हैं और इसके अलावा ये जो होते हैं ये एक शेड लविंग फ्लावरिंग प्लांट होता है अगर आपके घर में बहुत ही कम धूप रहती है या ऐसी छोटे छोटे एरिया हैं या बालकनीज़ हैं जहाँ पर मॉर्निंग की धूप या ब्राइट लाइट भी आ जाए तो ऐसी कंडीशन में ये पौधे हैंगिंग बास्केट में भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं आप चाहें तो छोटे कंटेनर में गमलों में भी आप इनको ग्रो कर सकते हैं और इनको जब भी लगाएँ वेलरेड मिट्टी में लगाएं मिट्टी थोड़ी सी मॉइस्ट रखें बट सोगी मिट्टी से ये जो पौधे हैं बहुत ही जल्दी रॉट कर जाते हैं जिसके चलते धीरे धीरे हमारा जो प्लांट है वो ख़राब हो जाता है इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें और ये बहुत ही खूबसूरत प्लांट है जिसे कटिंग से या फिर डिवाइड करके आप बहुत सारे पौधे जो हैं वो मल्टीप्लाई कर सकते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट जिस पौधे को आप हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं वो है हमारा वडेलिया फ्लावरिंग प्लांट ये एक परमानेंट समर का फ्लावरिंग प्लांट होता है जो छोटे छोटे कंटेनर में हैंगिंग बास्केट में भी लगा सकते हैं इस पौधे की कटिंग जो है बहुत आसानी से इस टाइम पर ग्रो हो जाती है और इसके अलावा नर्सरी में भी ये पौधे बहुत आसानी से आपको मिनिमम प्राइस में भी मिल जाएंगे और ये पौधे आप चाहें तो लैंड को कवर करने के लिए भी लगा सकते हैं और हैंगिंग बास्केट में इसकी ब्रांचेज लटकती हुई बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगती है इसमें छोटे छोटे फ्लॉर्स ब्लूम करते हैं फ्लॉर्स की ब्लूमिंग के लिए आप इन्हें दो से तीन घंटे की धूप वाली जगह पर रख सकते हैं बहुत ही तेजी से ये पौधे फैलते चले जाते हैं बहुत ही जल्दी ये पूरे पॉट को कवर भी कर लेते हैं जब भी लगाएं वेल मिट्टी में लगाएं और गर्मियों में इसकी मिट्टी जो है वो मॉइस्ट रखें और पौधों की ओवरऑल ग्रोथ के लिए आप इसे मंथ में इनमें कोई भी लिक्विड फर्टिलाइजर आप इसमें ऐड कर सकते हैं फ्रेंड्स right, नेक्स्ट so जिस फूलों वाले पौधे को आप हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं वो है हमारा रेन लिली का प्लांट इस पौधे की भी ज़्यादा हाइट नहीं रहती और ये एक परमानेंट बल्बीस्ड प्लांट होता है जो बल्ब से भी ग्रो किया जाता है आप चाहें तो इस टाइम पर इनके पौधे भी ला अपने गार्डन में जो है वो ऐड कर सकते हैं इसकी बहुत सारी वेरायटीज़ होती हैं जिसमें रंग बिरंगे फूलों वाले पौधे आपके हैंगिंग बास्केट में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत भी लगेंगे और टाइम टू टाइम इनके जो बल्ब है वो मल्टीप्लाई भी होते रहते हैं यानी कि इतने ज़्यादा ये मल्टीप्लाई हो जाते हैं कि आप इन्हें सेपरेट करके बहुत सारे फ्री के प्लांट जो है वो बना सकते हैं वेल रेड मिट्टी में जो है वो लगाए फ्रेंड्स और हैंगिंग बास्केट में इनकी जो फ्लोर्स हैं बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं तो ये भी बहुत आइडियल प्लांट होता है इसकी हाइट छोटी छोटी सी रहती है सो आप इसे भी हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट है हमारा समर वर्बीना एक विंटर का वर्बीना होता है फ्रेंड्स एक समर वर्बीना प्लांट होता है जो छोटे छोटे कंटेनर से लेकर हैंगिंग बास्केट में बहुत ही हैवी फ्लावरिंग करते हैं फ्लॉवर्स की ब्लूमिंग के लिए आप इसे तीन से चार घंटे की धूप वाली जगह पर रखें इन पौधों की भी ज़्यादा हाइट नहीं रहती है गुच्छों में इसमें फूल आते हैं जो देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत भी लगते हैं और नर्सरी में भी इनके जो पौधे हैं बहुत ही मिनिमम प्राइस में आपको मिल जाएंगे और इस टाइम पर राइट टाइम है अगर आपके पास इनके बीज रखे हुए हैं तो बीज आप इनके ग्रो कर सकते हैं बहुत ही जल्दी विद इन वीक में इनके जो बीज हैं वो जर्मिनेट हो जाते हैं तो ये भी बहुत ही आइडियल प्लांट है आपकी हैंगिंग बास्केट के लिए फ्रेंड्स नेक्स्ट जिस फ्लावरिंग प्लांट की हैंगिंग बास्केट हम इस टाइम पर बना सकते हैं वो है देसी कलांचू देसी कलांचू बहुत ही हार्डी वैरायटी होती है वैसे तो ये विंटर का फ्लावरिंग प्लांट होता है बट समर में बहुत ही खूबसूरती के साथ ये पौधे बने रहते हैं इसमें हाइब्रिड वैरायटी भी होती है बट देसी वाली जो वेरायटी होती है वो समर में लॉन्ग टाइम तक बनी रहती है तो ये भी बेस्ट ऑप्शन है आपके पास आप देसी कलांचू को जरूर हैंगिंग बास्केट में लगाएं फ्रेंड्स नेक्स्ट जिस फ्लावरिंग प्लांट को हम हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं वो है जरेनियम का प्लांट जरेनियम भी विंटर का ही फ्लावरिंग प्लांट होता है बट ये बहुत ही हार्डी वैरायटी होती है इसको समर में भी ग्रो किया जाता है इवन कि इसके फ्लावर जो है वो मई अप्रैल मई तक जो है वो ब्लूम करते रहते हैं तो ये भी बहुत ही हार्डी वेरायटी होती है इसको भी आप हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जाए तब इसको आप थोड़ा सा ग्रीन नेट में इसको शिफ्ट कर दीजिए और मिट्टी को हमेशा मॉइस्ट ही रखें फ्रेंड्स नेक्स्ट जिस है फ्लावरिंग प्लांट को हम हैंगिंग बास्केट में इस टाइम पर ग्रो कर सकते हैं वो है लेटना का फ्लावरिंग प्लांट और लेंटना बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट होता है इसमें लॉन्ग वेराइटी भी होती है डवार वेरायटी भी होती है और इसमें बहुत सारे खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट जो है आपको नर्सरीज में भी मिल जाएंगे तीस से चालीस रुपये में ये पौधा जो है आसानी से हर नर्सरी में मिल जाता है और इसके अलावा इसको कटिंग से ग्रो करना बहुत ही ज़्यादा ईजी रहता है और डवार वेरायटी को हम हैंगिंग बास्केट में भी ग्रो कर सकते हैं और ये बहुत बहुत ही सन लविंग प्लांट होता है और जब तेज़ धूप भी हो जाती है ऐसी कंडीशन में भी ये पौधा जो है फ्लोर्स जो है इसके ब्लूम करते रहते हैं तो ये बेस्ट ऑप्शन है इस समर आप लेंटना की हैंगिंग बास्केट ज़रूर बनाएं फ्रेंड्स है नेक्स्ट है अब विंका विंका बहुत ही खूबसूरत समर का फ्लावरिंग प्लांट होता है इसमें देसी हाइब्रिड दोनों ही वेरायटीज़ मिलती है और हाइब्रिड जो वेरायटी होती है जिसमें रंग बिरंगे फूलों वाले पौधे इस टाइम पर नर्सरीज में मिल रहे हैं तो उनकी भी हैंगिंग बास्केट बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगती है तो ये भी बेस्ट ऑप्शन अब विंका को ज़रूर ग्रो करें फ्रेंड्स एंड नेक्स्ट जिस फ्लावरिंग प्लांट को हम हैंगिंग बास्केट में ग्रो कर सकते हैं वो है फायर क्रैकर का प्लांट और ये भी बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट होता है और ये भी फाउंटेन की तरह लगता है और इसके फ्लावर्स जो हैं वो झुके झुके से रहते हैं जो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होते हैं तो ये भी बेस्ट ऑप्शन है आपके पास आप फायर क्रैकर प्लांट को अपनी हैंगिंग बास्केट में इस टाइम पर ज़रूर ग्रो करें फ्रेंड्स नेक्स्ट जिस फ्लावरिंग प्लांट को हम इस टाइम पर हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं वो है ब्लू डेज का प्लांट और ये बहुत ही खूबसूरत मॉर्निंग ग्लोरी की फैमिली से बिलोंग करता है और ये भी डॉर वेरायटी रहती है इसके फूल जो हैं वो भी मॉर्निंग में खिलते हैं और आफ्टरनून में इसके फूल जो हैं वो खिलना बंद कर देते हैं और ये बहुत ही खूबसूरत बड़ी ही हार्डी वेरायटी होती है ब्लू कलर के फ्लावर्स हैंगिंग बास्केट में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट जिस फ्लावरिंग प्लांट को हम हैंगिंग बास्केट में इस टाइम पर लगा सकते हैं वो है जीनिया जीनिया की डवार वेरायटी और लॉन्ग दोनों ही वेरायटीज़ मिलती हैं जीनिया की जो जहारा वेरायटी होती है वो बहुत ही खूबसूरत वेरायटी होती है वो स्पेशली छोटे छोटे पॉट्स में और इवन की हमारी हैंगिंग बास्केट के लिए बेस्ट समर फ्लावरिंग प्लांट होता है इसमें डबल पेटल सिंगल पेटल के फ्लावरिंग प्लांट मिल जाते हैं तो अगर आप इसको ग्रो करें या फिर अगर आप नर्सरी से लाएं तो जीनिया जहारा की मिक्स वेरायटी में लाएँ जिसमें हर कलर के फ्लावरिंग प्लांट आपको इस टाइम पर नर्सरीज में मिल जाएंगे और ये डवार वेराइटी रहती है तो ये भी बहुत ही खूबसूरत लगती है स्पेशली हमारे हैंगिंग बास्केट में फ्रेंड्स नेक्स्ट जिस फ्लावरिंग प्लांट की हम हैंगिंग बास्केट बना सकते हैं वो है सिलोसिया का प्लांट और सिलोसिया बहुत ही खूबसूरत वेरा होती है तो इसकी भी डॉरा को हम हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं तो ये भी बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट होता है और एक बार अगर आप इसको लगाएंगे अपनी हैंगिंग बास्केट में या छोटे से किसी पॉट में तो ये इसके सीड्स जहाँ जहाँ गिरते हैं तो अपने आप ये सेल्फ सीलिंग से बहुत सारे पौधे जो है वो मल्टीप्लाई कर लेता है तो ये भी बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है आपके पास फ्रेंड्स नेक्स्ट जिस पौधे को हम हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं वो है पर्पल हार्ट का प्लांट और ये बहुत ही खूबसूरत सकुलेंट टाइप का प्लांट होता है बहुत ही हार्डी प्लांट होता है फ्रेंड्स और इसमें छोटे छोटे पर्पल कलर के फ्लॉर्स भी ब्लूम करते हैं तो इसको भी आप मॉर्निंग की धूप में रख देंगे तो ये भी बहुत ही हेल्दी ग्रो करेगा तो ये भी बेस्ट ऑप्शन है फ्रेंड्स आप पर्पल हार्ट प्लांट की हैंगिंग बास्केट में ज़रूर बनाएँ फ्रेंड्स नेक्स्ट जिस फ्लावरिंग प्लांट को हम हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं वो है फ्यूशिया का फ्लावरिंग प्लांट और ये बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट होता है और इसके फ्लॉर्स जो हैं वो भी नीचे की तरफ होते हैं बहुत ही खूबसूरत ये पौधा होता है और ये थोड़ा सा डेलिकेट होता है बड़ी ज़्यादा इस तेज़ धूप इस पौधे को पसंद नहीं होती है तो इसको जब भी रखें वहाँ पर रखें जब मॉर्निंग की धूप आ जाए और बाकी टाइम ये पौधा जो है वो शेड में रहे तो ये भी बहुत ही खूबसूरत समर हैंगिंग बास्केट में लगाने वाला पौधा होता है फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में मैंने आपसे ऐसे समर फ्लावरिंग प्लांट्स शेयर करे हैं जो कि हैंगिंग बास्केट में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं और समर में आप इनको हैंगिंग बास्केट में लगाएं और मिट्टी इनकी थोड़ी सी मॉइस्ट रखिए और मंथ में एक बार कोई भी लिक्विड फर्टिलाइजर इन पौधों को दे दीजिए तो इनकी ओवरऑल जो ग्रोथ है वो बहुत अच्छे से चलेगी और अगर आज की वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगती है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में टिल देन बाय बाय